और आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं, और जाहिर सी बात है अगर आप कहीं से भी हो आपके डिवाइस में व्हाट्सएप तो होगा ही होगा, क्योंकि व्हाट्सएप एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, चैटिंग सोशल मीडिया आप इसको बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में एक फाइनली अपडेट आ चुका है जिसमें कि अगर आप कोई मैसेज सेंड करते हो तो पहले क्या होता था कि हम मैसेज को मान लीजिए कोई टाइप करके सेंड किया और मिस मैच वहाँ पर हो जाता था तो हम उसको एडिट नहीं कर पाते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद आप उस सेंड किए गए मैसेज को भी एडिट कर सकते हो। अगर आपको ये फीचर नहीं मिला तो इस वीडियो में बताऊंगा कि उस फीचर को आप किस तरीके से अपने डिवाइस के अंदर अपने व्हाट्सएप के अंदर ऐड करोगे और ऐड करने के बाद इसको कैसे यूज करना है, सारा कुछ मैं डिटेल्स में कवर किया हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए हुए। बात करते हैं प्रोसेस की, चलते हैं सीधे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मैसेज को एडिट करना कैसे है। जैसे मान लीजिए आप किसी के पास मैसेज सेंड कर रहे हो, वहाँ पे कोई रॉन्ग मैसेज आप सेंड कर दे रहे हो, तो आप उस मैसेज को किस तरीके से एडिट करोगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम जानेंगे अगर आपको ये ऑप्शन या फीचर नहीं मिला है तो आपको किस तरीके से ये ऑप्शन या फीचर मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर व्हाट्सअप को ओपन कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी बंदे के पास एक मैसेज को सेंड कर दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इस बंदे के पास मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ही मान लीजिए हाउ आर यू मैं टाइप किया, हाउ आर यू, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं सेंड कर दिया, अब इस तरीके से हो सकता है कोई ही मैसेज, जरूरी नहीं है कि हाउ आर यू हो, चाहे कोई भी मैसेज आपने सेंड किया अपने जीएफ के पास, अपने वीएफ के पास, या आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हाउ आर यू की जगह पे आपको वाई ओ यू लिखना था, आपने मिस कर दिया लिखना, तो अब इसको आप एडिट भी कर सकते हो। इस पर सिंपल सा लॉन्ग प्रेस करना, यानी थोड़ा सा होल्ड करना, ऊपर में थ्री डॉट पर टाइप करना, यहाँ मिलेगा आपको एडिट का ऑप्शन, जस्ट इस पर टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद हाउ आर यू को यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे वाई ओ यू को इंटर करके साइन पे टाइप किया, ओके पे टाइप कर देना है। देखिए, बट यहाँ पे वो पहचान जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिटेड, ताकि वो पता चल जाएगा कि आपने इस मैसेज को कुछ एडिट किया है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना मैसेज तो यहाँ पे करेक्शन जो था वो आप कंप्लीट कर लिए हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन आ रही है, एक डाउट आ रहा है कि ये सभी के ऑप्शंस नहीं मिले हैं डिवाइस के अंदर, सभी को व्हाट्सअप के अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का बहुत सारा रीज़न है। आप तो या ये गलती कर रहे होंगे, आपने टाइम टू टाइम आप व्हाट्सअप को अपडेट नहीं कर रहे होंगे, या फिर आप व्हाट्सअप को अपडेट किए हो बट आने वाले कुछ अपडेट को अभी तक मिस किए हो, अपडेट नहीं किए हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप व्हाट्सअप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप व्हाट्सएप को एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लीजिए, अगेन प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। बट ये सारा कुछ कर लेने के बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है या ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना किसी ब्राउजर में अपने डिवाइस के अंदर। ब्राउजर में जाने के बाद आपको सर्च का जो ऑप्शन पर टाइप करना होगा और आपको यहाँ पर लिखना होगा डब्ल्यू एच ए व्हाट्सएप बीटा वर्जन, सिंपल से यहाँ पर लिखना होगा डब्ल्यू एच ए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सजेशन में दिखा रहा व्हाट्सअप बीटा ज्वाइन, इस पर आपको टाइप करना है, इस तरीके से सर्च करना होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट जो URL है इस पर टाइप करना है, ठीक है। इस पर जब फर्स्ट टाइम आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपका एक जीमेल का एक्सेस लेने को बोलेगा, तो आप यहाँ पे वह जीमेल को एक्सेस देना जो जीमेल से प्ले स्टोर पर लॉगिन है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो जीमेल आपने प्ले स्टोर पर लॉगिन किया होगा वही जीमेल यहाँ भी लॉगिन होना चाहिए, तभी ये ज्वाइन आप कर पाओगे, ठीक है। इसके पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, मैं बीटा वर्जन को ज्वाइन कर लिया, मुझे अब रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। बट अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर ज्वाइन का एक बटन मिलेगा, उस पर टाइप करके आप व्हाट्सअप बीटा वर्जन को ज्वाइन कर लोगे, तो व्हाट्सअप के आने वाले जो भी मतलब फीचर होंगे, जो भी ऑप्शन होंगे, सभी आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीटा वर्जन ज्वाइन नहीं किया तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा, बस कुछ टाइम लगेंगे, वेट कीजिए, 100% आपको भी फीचर मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था छोटा सा वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था कि आप मैसेज को किस तरीके से एडिट करोगे और अगर एडिट का ऑप्शन नहीं मिला है तो किस तरीके से एडिट ऑप्शन अपने व्हाट्सएप में ऐड करोगे। तो इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलता है एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।